नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। टीकमगढ़ नगर में एसडीएम सौरभ मिश्रा, तहसीलदार अनिल गुप्ता और राजस्व विभाग की टीम ने पैदल मार्च करते हुए शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों और बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर चालानी कार्यवाही और लोगों और दुकानदारों को सख्त लहजों में समझाते हुए कहा कि दुकान पर आने वालों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस का पालन कराएं। साथ ही दुकानदारों द्वारा मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही की, साथ ही गरीब लोगों को निःशुल्क मास्क भी वितरित किए। जागरूकता के बाद भी कुछ लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे थे हमारे शहर में, तो आज हमारी टीम ने पुलिस के सहयोग से और नगर पालिका के सहयोग से एक पैदल मार्च निकाला है, जहां पर जो लोग मास्क के बिना पाए गए या फिर किसी प्रकार का नियम उल्लंघन करते हुए पाए गए, तो उनका हमारी टीम ने तत्काल ऐलान बनाया है और उनको समझाइश भी दी है। जो लोग बिना मास्क के अकेले कहीं घूमते हुए पाए गए उनको हमने मास्क दे दिया और ये कार्रवाई लगातार जारी रखेंगे और इससे और ज़्यादा सख्त कदम उठाने पड़े तो वो भी उठाएंगे, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से हम खिलवाड़ होते हुए बिल्कुल नहीं। खबर समय जगत के लिए टीकमगढ़ से परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।